बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी पार्ट टू चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। लेक्चर उसका है 3 ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। अब हमने देखना है कि पिछले लेक्चर में हमने ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स की बात की थी, तो ऑस्मोरेगुलेशन अगर एनिमल्स की बात करें तो जानवरों की बॉडी के अंदर भी क्या है, ना तो साल्ट ज़्यादा और वाटर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, ना ही बहुत कम बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, बल्कि क्या है, ये भी अपने आप को मेंटेन करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनिमल्स में अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाए तो क्या है, एनिमल सेल फट जाते हैं। तो अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के बाहर क्या है, सेल वॉल होती है जो कि ऑस्मोलाइसिस से बचाती है, तो उसको फटने से बचाती है। तो जानवरों के अंदर भी क्या है, वाटर और साल्ट का बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके ज़िंदा रहने के लिए हमने वाटर और साल्ट्स को मेंटेन करना है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर इसके गेन हो जाए वाटर या साल्ट बहुत ज़्यादा, वो गेन कर ले बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी के अंदर आ जाए, तो क्या होता है, सेल फट सकता है। लेकिन अगर बहुत कम हो तो सेल क्या कर जाता है, श्रिंकेज हो जाती है। तो इसी तरह से हमने इन सारी चीज़ों को देख के तो इनको बैलेंस करना है एनिमल्स में। अब इसी वजह से सेल के अंदर ज़रूरत के मुताबिक पानी दाखिल भी होता है और ज़रूरत के मुताबिक पानी बॉडी से निकलता भी है। तो इसमें 2 मेन अप्रोचेस हैं जो कि मेंटेन करती हैं, बैलेंस करती हैं इसको, वाटर और सॉल्ट्स को, वो 2 तरह के एनिमल्स हैं। एक हम बात करते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, सेकेंड हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब हमने इन एनिमल्स को 1 by 1 डिस्कस करना है, व्हाट इज़ ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की, तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हमारे पास क्या हैं, दोज एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड इज आइसोटोनिक, वो जानदार जिनके जिसम बाहर के माहौल के मुताबिक आइसोटोनिक हैं, कि उनको क्या है कि उनका जहाँ पे वो रह रहे हैं तो उनका बाहर और अंदर का माहौल आइसोटोनिक है, के सेम है, उन्हें कुछ चेंजिंग्स नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ये स्पेसिफिक जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे उनका इन्वायरमेंट का और उनकी बॉडी दोनों माहौल मुताबिक हो, मुताबकत रखते हों, तो इसी और जो ये स्पेसिफिक प्लेस पे पाए जा रहे हैं। अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक नहीं है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, कि बाहर वाला माहौल और उनकी बॉडी के मुताबिक दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इसी तरह से है कि अगर हम किसी एक घर में जाते हैं तो अगर तो हमारे उनके साथ बिहेव सेम है तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, अपने आप को एडजस्ट करना आसान होता है। लेकिन अगर हमारा और उनका माहौल क्या है, हमारी डिफरेंट हो, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने आप को एडजस्ट करने की। तो इसी तरह से क्या है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को ज़रूरत नहीं है मेहनत की, ऑस्मो रेगुलेटर्स को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, और ये आपको वाइड रेंज में एनिमल्स नज़र आएंगे। अगर हम बात करते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की, तो कन्फॉर्मर्स जो हमारे पास आते हैं, ऑस्मो का मीन हमारे पास क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट्स, और कन्फॉर्मर्स जो हमारे पास है वो होते हैं कि इसके मुताबिक सेम मुताबकत रखते हों। अब हमने देखना है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखनी है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ऑस्मो का मीन हमारे पास आता है वाटर प्लस सॉल्ट्स, और कन्फॉर्मर्स किसी भी चीज़ के साथ मुताबकत या मुनासबत रखना, यहाँ पे वाटर और सॉल्ट की मुताबकत किसी माहौल के साथ की जा रही है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो ये हमारे पास ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर हमेशा क्या है, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बाहर वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ सेम हो, मतलब वाटर और सॉल्ट का बैलेंस एनिमल्स की बॉडी के अंदर और बाहर जो इन्वायरमेंट है एक्सटर्नली, उन दोनों का आपस में सेम हो। इन दीज एनिमल्स
बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक टू स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट, इवन मरीन वाटर। यहाँ पे क्या हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे डू नॉट रिक्वायर टू एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। इनको क्या है, इनकी बॉडी को क्या है, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इनका बाहर और अंदर का दोनों का सेम है, मतलब वाटर अंदर जाए या बाहर जाए दोनों का क्या है, सेम है बाहर और अंदर की कंसंट्रेशन। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, देयर इज नो डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनकी बॉडी को कोई नुकसान ही नहीं होगा, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ऑस्मोटिकली कंसंट्रेशन को चेंज करने की, इनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों की क्या है, बाहर और बॉडी की सेम होती है। अगर हम इसी तरह ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, सारे मरीन इनवर्टिब्रेट्स और हैग फिशेज। हैग फिशेज हमारे पास स्नेक लाइक। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या थे कि उनमें इनकी बॉडी और बाहर इंटरनली इन्वायरमेंट जो था एक्सटर्नल वो दोनों का सेम था, तो इसको क्या थी, ज़रूरत नहीं थी एडजस्ट करने की अपने आप को। और ये आपके पास स्पेसिफिक रेंज में आपको नज़र आएंगे, स्पेसिफिक प्लेस पे रहेंगे, एक ख़ास जगह होगी जहाँ पे ये अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे, जहाँ पे उनकी बॉडी और बाहर का दोनों का एनवायरनमेंट सेम हो। तो इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है मरीन इनवर्टिब्रेट्स और हैग फिशेस, ये सारे आइसोटोनिक एनिमल्स हैं जो कि स्पेसिफिक प्लेस पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, सेकेंड एनिमल्स के जो टाइप है ऑस्मो रेगुलेटर्स। इसमें हम बात करते हैं जो अपने आप को बदले नहीं, मतलब कि अपने वाटर और सॉल्ट्स के बैलेंस को चेंज ना करे, बाहर इन्वायरमेंट चेंज है तो उसके मुताबिक उसको चेंज नहीं करता बल्कि ये हर जगह पर एडजस्ट कर लेता है। किस तरह से, अब अगर हम देखते हैं, those organism which have to maintain water and salt balance in different environment, ये मुख्तलिफ जगहों पर रहता है, environment कोई भी हो, मे बी वहाँ पर क्या है salt ज़्यादा हो, मे बी water ज़्यादा हो, तो ये क्या करते हैं, उन्हीं जगह पर अपने आप को adjust करते हैं, maintain करते हैं, बल्कि अपनी body के fluid को change करते हैं। तो इस तरह से क्या है, दो मुख्तलिफ तरह के माहौल हो सकते हैं। अब ये किस तरह के हो सकते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की, तो मे बी वाटर ज़्यादा है, मे बी सॉल्ट ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं कि इनके पास वाटर ज़्यादा है, बाहर इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, किसके ज़रिए से करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो अगर वाटर है तो कंसंट्रेशन वाटर ज़्यादा, तो ज़्यादा वाटर को बाहर रिलीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सॉल्ट ज़्यादा है तो ये डिस्चार्ज करते हैं एक्सेस सॉल्ट्स इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के हाइपर का मीन है कि सॉल्ट ज़्यादा हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट्स को बाहर डिस्चार्ज करते हैं, इनकी इस तरह से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। तो ये एनवायरनमेंट क्या है, ये ज़्यादा सॉल्टी है, हाइपोटोनिक है, तो इस तरह से डिस्चार्ज करते हैं सॉल्ट्स को। और इसकी एग्जांपल्स अगर देखी जाए तो इसमें आती हैं कार्टिलेजियस फिशेस और टेरेस्ट्रियल मैमल्स। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।